저는 뭐죠 뭐죠 그럴 때 뭐죠. अगर आपने ये एनीमे अभी तक नहीं देखी तो आप जा सकते हो क्योंकि शायद आगे स्पॉइलर्स मिले। टोक्यो रिवेंजर्स। रिवेंजर्स? हाँ, क्योंकि ये लड़ाई है बदले की। तो ये एक ऐसी एनीमे है जिसमें एक भाई अपने बहन को बचाने के लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बचाओ बचाओ खेलता है। तो आज हम इस एनीमे के फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है मांजिरो सानो यानी कि माइकी का फेवरेट फूड है डोरायाकी। डोरायाकी एक्चुअली फिश शेप्ड केक है जिसमें रेड बीन्स फिल्ड होते हैं। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है खुद माइकी को भी ये नहीं पता था कि वो मार्शल आर्ट्स में इतना अच्छा है। उसे ये तब पता चला जब उसके ग्रैंडपा उसे मार्शल आर्ट्स अकेडमी लेके गए और माइकी के सिग्नेचर मूव का नाम है राउंड हाउस किक। बाय द वे माइकी कुन, आप इतने स्ट्रांग कैसे? मेरे दांत थे स्ट्रांग। क्या आपको पता है हिना यानी कि हिनाता ताचिबाना को कोको बहुत पसंद है। वो बिटर कॉफी को ना पसंद करती है एंड पियानो बजाना उसकी स्पेशियलिटी है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है मांजिरो सानो का निकनेम माइकी है। हाँ, आपको ये पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों? एक्चुअली जब माइकी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था तब एमा ने उसके फैमिली को ज्वाइन किया और तब माइकी और उसके बड़े भाई को उसके नाम के कारण वो फॉरेनर लगी और तब से मांजिरो सानो खुद को माइकी बुलाने लगा ताकि एमा खुद को दूसरों से अलग ना समझे। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको माइकी के रियल नेम यानी मांजिरो इस नाम का मतलब पता है? नहीं ना, चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली मांजिरो में मान का मतलब होता है 10,000 एंड जी का मतलब होता है नेक्स्ट एंड रो का मतलब होता है सन एंड उसके निक नेम माइकी का इंग्लिश मीनिंग होता है हु इज लाइक अ गॉड। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है हिनाटा ताचिबाना का फेवरेट एनिमल है डॉल्फिन। फैक्ट नंबर सेवन, अगर आपने टोक्यो रिवेंजर्स देखा है तो आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि टोक्यो रिवेंजर के राइटर को गैंग मेंबर्स का आइडिया कहाँ से आया। तो ये एक फैक्ट है कि टोक्यो रिवेंजर के क्रिएटर केन वाकुई खुद गैंग मेंबर हुआ करते थे एंड उस गैंग का नाम था ब्लैक एम्परर जिसपे टोमान बेस्ड है। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है शिनिचिरो जो माइकी का बड़ा भाई है सेम गर्ल से लगातार 20 बार रिजेक्ट हुआ था। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है टोक्यो रिवेंजर्स के ऑफिशियल कैरेक्टर बुक के हिसाब से डिजाइनर बनना मित्सुया का सपना है। फैक्ट नंबर टेन, क्या आपको पता है टोक्यो रिवेंजर्स के ऑफिशियल कैरेक्टर बुक के हिसाब से सिर्फ फैब्रिक को टच करके उसका टाइप बताना मित्सुया की स्पेशल स्किल है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है माइकी को स्पाइसी फूड पसंद नहीं, ऐसा ऑफिशियल कैरेक्टर बुक में बताया गया है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है टाकेमिची इस नाम का मतलब होता है बैम्बू एंड हानागाकी का मतलब होता है फ्लावर या ब्लॉसम। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है ऑफिशियल कैरेक्टर बुक के हिसाब से टाकेमिची का फेवरेट फूड है पोटैटो चिप्स। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है नाओतो को कैरियोके बिल्कुल पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है नाओतो की स्पेशल स्किल कैलीग्राफी है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है नाओतो इस नाम का मतलब होता है स्ट्रेट। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है केन रुगुजी का मतलब क्या होता है? तो केन इस नाम का मतलब होता है हार्ड एंड रुगुजी का मतलब होता है ड्रैगन। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है हिनाता ताचिबाना का सपना है नर्स बनना। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है ऑफिशियल कैरेक्टर बुक के हिसाब से पायलट बनना चिफुयो का सपना है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है चिफुयो को एनिमल्स बहुत पसंद है एंड उसके पास एक पेट कैट भी है और एक बार चिफुयो अपने कैट के साथ खेलते हुए सेकंड फ्लोर से गिर गया था। फैक्ट नंबर 21, ये एक फनी फैक्ट है, क्या आपको पता है एमा को ड्राकेन की बाइक बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ड्राकेन अपने बाइक से बहुत प्यार करता है, उसकी बाइक एमा की लव राइवल है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है ऑफिशियल कैरेक्टर बुक के हिसाब से बाजी का फेवरेट टीवी शो है कायो सस्पेंस गेकिजियो। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है बाजी का सपना था कि उसका खुद का एक पेट शॉप हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर फ्री में वीडियो देख के हो गई हो तो एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाना। जिन लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड कोरोना अब तक बचाने नहीं आया, कोई ना, सब्सक्राइब कर दो, हमारे आशीर्वाद तो मिल ही जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。